गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टूडेज मैथ्स क्लास चैप्टर 2 कंपेरिजन्स, उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है FAR, फार, फार यानी दूर, NEAR, नियर यानी पास में, नजदीक, FAR, फार यानी दूर, NEAR, नियर यानी पास में, जो नजदीक होता है वो, ठीक है, फार यानी दूर, नियर यानी नजदीक, पास में। फर्स्ट द बनी इज NEAR, NEAR, नियर, THE, द, TREE, ट्री, द बनी इज नियर द ट्री। ये जो रेबिट है उसका नाम क्या है, बनी, क्या है, बनी, एंड ये बनी जो है वो ट्री, ये क्या है, ट्री, ठीक है, तो बनी जो है वो ट्री के पास ही है, पास में ही है वो, आप लोग देख सकते हो बनी जो है वो ट्री के पास में है, उनके एकदम नजदीक है, ठीक है, यानी नियर। द टोटोइस इज FAR, फार, फार यानी दूर, फ्रॉम द ट्री। और ये कौन है, टोटोइस, टोटोइस जो है वो ट्री से क्या है, फार यानी दूर है। आप लोग देख सकते हो पिक्चर में बनी जो है वो ट्री के पास में ही है, उनके नजदीक है, तो आएगा नियर। एंड टोटोइस जो है वो ट्री से क्या है, दूर यानी फार, FAR, फार। सेकंड वन द काइट, काइट यानी पतंग, द काइट इज फार, FAR, फार, FAR, फार, फ्रॉम द बॉय, BOY, बॉय। ये जो बॉय है आप लोग देख सकते हो पिक्चर में, ये बॉय और ये क्या है, काइट, तो काइट जो है वो बॉय से क्या है, दूर है। आप लोग देख सकते हो ये काइट जो है वो बॉय से क्या है, दूर है, दूर यानी FAR, फार, काइट बॉय से क्या है, दूर है यानी FAR, फार। द बनी इज NEAR, नियर, NEAR, नियर द बॉय। आप लोग देख सकते हो रेबिट, उनका नाम क्या है, बनी, एंड बनी जो है वो बॉय के पास में ही है। आप लोग देख सकते हो ये बनी जो है वो बॉय के पास में है यानी नियर, उनके नजदीक है यानी नियर, एंड काइट जो है वो बॉय से दूर है इसलिए फार, FAR, फार। नेक्स्ट द सी ए आर, कार, द कार इज FAR, फार, FAR, फार, फ्रॉम द गर्ल, GIRL, गर्ल, GIRL, गर्ल। आप लोग पिक्चर में देखिए कार कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है कार, तो ये क्या है, कार, क्या है, कार। आप लोग देख सकते हो कार जो है वो गर्ल, ये कौन है, गर्ल, तो गर्ल से कार दूर है यानी FAR, फार, कार गर्ल से दूर है इसलिए FAR, फार, कार जो है वो गर्ल से दूर है यानी फार, ठीक है। द सी ए टी कैट, सी ए टी कैट इज NEAR, नियर, NEAR, नियर द गर्ल। कैट पिक्चर में कहाँ कैट दिखाई दे रही है, ये रही कैट, कैट गर्ल के पास में ही है, कैट गर्ल के पास है, उनके नजदीक है
इसलिए near, 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 near। ये रही कैट। कैट गर्ल के पास में ही है, उनके नजदीक है, इसलिए near, 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 near। कार गर्ल से दूर है, इसलिए far, far। एंड कैट गर्ल के नजदीक है, उनके पास में ही है, इसलिए near, 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 near यानी पास में, नजदीक। far, far यानी दूर, far, far यानी दूर। उनकी जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। ओपन द पेज नंबर 136। टिक राइट द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट, वेयर इज द ट्री, वेयर इज द ट्री, TREE, ट्री यानी पेड़। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो ट्री, दिस इज अ ट्री। वेयर इज द ट्री, ट्री जो है वो ये गर्ल के पास में ही है, उनके नजदीक है कि दूर है, चलो बताओ, ट्री पास में है कि दूर है, नजदीक है कि दूर है ये गर्ल से। ट्री जो है वो गर्ल से दूर है, यानी क्या आएगा? far, far में टिक करोगे कि near, near में किस में टिक करोगे? far, far कि near किस में करोगे टिक? far, far, far यानी दूर। ये ट्री जो है वो गर्ल से क्या है? दूर है, यानी far। तो आपको किस में टिक करना है? far, far में। सेकंड वन, वेयर इज द कैट, कैट यानी बिल्ली, ठीक है। वेयर इज द कैट, तो कैट कहाँ है? गर्ल के पास में है कि दूर है, उनके नजदीक है कि दूर? यस, कैट गर्ल के पास में है, यानी उनके नजदीक है, इसलिए क्या आएगा? आप लोग किस में टिक करोगे? far, far में टिक करोगे कि near, near किस में टिक करोगे? far कि near? यस, near में, near यानी पास में, नजदीक। नेक्स्ट, वेयर आर द चिक्स, CHICKS, CHICKS, चिक्स, चिक्स ये सब क्या है? ये चिक्स है, ये सारे चिक्स जो है वो ये जो मैन है उनके पास में है कि दूर है? चिक्स, ये सारे चिक्स है, चिक्स जो है वो ये मैन के क्या है? पास में है, उनके नजदीक है। तो आप लोग किस में टिक करोगे? far, far में कि नियर में? far यानी दूर, नियर यानी नजदीक, पास में जो होता है वो। तो चिक्स जो है वो मैन के नजदीक ही है, उनके पास ही है। तो आप लोग किस में टिक करोगे? near, near, किस में टिक करना है? नियर में। आज का जो आपका वर्क है वो है टिक राइट द करेक्ट वर्ड, ठीक है। ये जो अभी हमने टेक्स्ट बुक में किया वही आप लोगों का आज का वर्क है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में क्या करना है? टिक द करेक्ट वर्ड, जो पास में होता है तो आप लोग नियर में टिक करोगे, एंड जो चीज दूर होती है तो उसमें क्या आएगा? far। तो आपको किस में टिक करना है? far, far में, ठीक है। ये ट्री जो है वो गर्ल से दूर है, इसलिए हमने किस में टिक किया? far में। कैट जो है वो गर्ल के पास ही है, उनके नजदीक ही है, इसलिए हमने नियर में टिक किया है, near, near। एंड ये चिक्स है, तो चिक्स जो है वो मैन के पास ही है, उनके नजदीक ही है, इसलिए हमने किस में टिक किया है? नियर में। तो आज का आपका वर्क जो है वो ये टिक द करेक्ट वर्ड ही है जो आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है, ठीक है। थैंक यू।